साल 2024 में एयरटेल डीटीएच को अपने घर के लिए कंसीडर करना एक सही फैसला हो सकता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आते होंगे कि भाई डीटीएच कनेक्शंस की तो आपके लिए मार्केट में बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ एयरटेल डीटीएच को ही चुनना हो तो क्या एयरटेल डीटीएच हमारे लिए सही रहेगा? एयरटेल डीटीएच के बारे में आपको कहीं पर भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। अगर आप ऑनलाइन मार्केट में पता करेंगे या ऑफलाइन मार्केट में भी पता करेंगे तो जो एयरटेल की ओर से आपको ब्यौरा दिया जाता है सिर्फ वही आपको जानने का मौका मिलता है, लेकिन असल हकीकत जो है वो आपको कोई भी नहीं बता सकता जब तक आप उसके लिए जानने की कोशिश ना करें। तो हम जो है पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम जो है कई सालों से आपके लिए डीटीएच इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है हम सभी डीटीएच का कई सालों से इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। तो अगर आप साल 2024 में अपने घर पे या फिर अपने ऑफिस में कहीं पर भी एयरटेल डीटीएच लगवाने की सोच रहे हैं तो कौन कौन से मुख्य चैनल्स इस एयरटेल डीटीएच का हिस्सा है, कौन से रीजन के लिए जो है आपको ये सबसे अच्छा रहेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। क्योंकि जो नॉर्मली कस्टमर के मुख्य पॉइंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि चैनल्स कौन कौन से अच्छे मिल जाएंगे उनको, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है और पैकेजेस के जो है दाम कितने रहते हैं, क्या हमारे लिए बजट फ्रेंडली पैकेजेस यहाँ पर हैं या नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। चैनल वाली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशंस आगे भी सबसे पहले जरूर मिलते रहे। और अगर आपने अभी तक हमारी एयरटेल डीटीएच की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि एयरटेल डीटीएच सर्विस है कैसी। तो एयरटेल डीटीएच सर्विस काफी अच्छी है, कई सालों से हम जो है इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इसमें जो है आपका हर मनोरंजन जो है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको हर तरीके के चैनल्स मिल जाएंगे। हिंदी एंटरटेनमेंट में भी सभी मुख्य चैनल्स आपके लिए अवेलेबल हैं, हिंदी मूवीज में, किड्स में, स्पोर्ट्स में, न्यूज में, नॉलेज में, हर तरह के चैनल्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक म्यूजिक जॉनर में बात करें तो म्यूजिक जॉनर के लिए इसमें आपको ये मेन चैनल आ जाता है MTV बीट्स HD हाई डेफिनेशन में, वो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। वो आपको जो है एक कमी यहाँ पर लग सकती है अगर आप एक MTV बीट्स HD चैनल के लिए आप किसी डीटीएच कनेक्शन की तलाश में है। जबकि बाकी चैनल्स के बारे में बात करें तो हर एक चैनल यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। हाँ, कुछ चैनलों का डिफरेंस जरूर हो सकता है, लेकिन जो मेन ज्यादातर लोग देखते हैं चैनलों को, चाहे वो ZTV HD हो, सोनी HD हो, सोनी सब हो या फिर आपका जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, सोनी मैक्स हो, हर एक चैनल जो है वो इस डीटीएच का हिस्सा रहने वाला है। और इसके अलावा लोगों के जो दूसरा सवाल आ जाता है वो है पिक्चर क्वालिटी का। तो पिक्चर क्वालिटी में बात करें तो एयरटेल डीटीएच लाजवाब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गुड पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। हाई डेफिनेशन की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल चैनल की क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। मैं इतनी अच्छी आपको नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ आराम से जो है आप एक 32 इंच के टीवी में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43 इंच के टीवी में एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं 50 इंच के टीवी में या 55 इंच के टीवी में तो थोड़ा सा आपको रियलाइज होगा कि पिक्चर क्वालिटी पिक्सलेट हो सकती है। अब बात आ जाती है ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी भी शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। डॉल्बी डिजिटल का आपको सपोर्ट मिल जाएगा हाई डेफिनेशन बॉक्सेस पर भी और इनके एंड्रॉइड वाले एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्सेस पर भी, तो यहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी में मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये आपको अच्छा खासा यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा बात आ जाती है चैनल में कि चैनल कितने मिल जाते हैं, तो कुल मिला के एयरटेल जो है वो 500 से भी ज्यादा चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपके हर एक भाषा के चैनल शामिल होंगे, चाहे वो हिंदी हो, आपके गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हर एक भाषा के चैनलों को यहाँ पर मिलाकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी एक्टिव सर्विसेज को मिलाकर भी चैनल की जो संख्या है वो 500 से भी ज्यादा आपको हो जाएगी। और बाकी कुछ बच्चों के लिए जो कार्टून चैनल्स हैं या हमारे नॉलेज के चैनल्स हैं, लाइफस्टाइल के चैनल्स हैं, उसमें आपको मल्टी लैंग्वेज फीड्स भी मिल जाती हैं, जिससे आप अपनी हर एक भाषा में जो है कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। बाकी दोस्तों बात आ जाती है इनकी LCN अलाइनमेंट की, तो LCN अलाइनमेंट आपको बिल्कुल भी एयरटेल की पसंद नहीं आएगी। हर एक जो चैनल है वो बहुत सा मिक्सअप हो रखा है, यानी कि नॉर्मली वे में बात करें तो अगर एक नॉर्मल चैनल है तो उसके आगे आपको हाई डेफिनेशन का चैनल मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ZTV है तो ZTV के आगे ZTV HD ही आना चाहिए, लेकिन एयरटेल में जो है थोड़ा सा मिक्सअप हो रखा है। एयरटेल ने जो है अभी तक अपने चैनल नंबरों में चेंजेस नहीं की है, जिसकी वजह से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि आपको मिक्सडअप नजर आएंगे और कुछ चैनल जो है वो आपको आगे मिलेंगे। मान लीजिए जी जस्ट है एक लाइफस्टाइल चैनल है, तो जी जस्ट HD जो है वो उसके आगे नहीं मिलेगा, बल्कि वो और आगे नंबरों में आ रहा है। तो एयरटेल ने जो है अपने चैनल नंबरों में अभी तक तब्दीली नहीं की है, चेंजेस नहीं किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है आपको मिक्सअप नजर आएगा, थोड़ा सा अजीब बगीब जो है आपको LCN नंबर्स महसूस होंगे, जिस थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है यहाँ पर क्रिएट होती है। तो मेरे ख्याल से एयरटेल को जो इम्प्रूव करने की जरूरत है वो है चैनल नंबरों में बदलाव करना, हर एक चैनल को अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उनको
जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है हमारा मनोरंजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट आएगी। नहीं तो फिलहाल जो है आपको चैनल नंबरों के रिगार्डिंग थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फेवरेट चैनल लिस्ट बनाने की, तो हर एक जो फीचर है वो आपको मिलेगा। पेरेंटल कंट्रोल हो गया, किसी चैनल को आपने लॉक करना है, किसी चैनल को फेवरेट लिस्ट में आपको ऐड करना है, तो सभी तरह के फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी आपके पैकेजेस के बारे में, तो 153 रुपीज से पैकेजेस की स्टार्टिंग होती है। भारत ने जो ट्राई ने जो हमारे लिए रेगुलेशंस बनाए हुए हैं डीटीएच और केबल टीवी एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसमें एयरटेल भी आता है और एयरटेल डीटीएच ने भी 153 रुपीज वाला जो है रूल अपनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको 200 यानी कि 200 एचडी चैनल्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। और उसके अलावा कोई भी चैनल ऐड करते हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा जो है एनसीएफ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 153 रुपीज से पैकेजेस की स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि आगे चलकर आपको 400-500 रुपये तक का जो पैकेज है वो भी मिल जाता है। और उसमें आपके कुछ महंगे वाले चैनल जैसे कि इंग्लिश मूवीज के, स्पोर्ट्स के, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी अगर आप पैकेजेस की अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के आपको एंड स्क्रीन में हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनके पैकेजेस के बारे में, जहां पर आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एयरटेल डीटीएच की ओर से लोगों के मन में आते हैं, पिक्चर क्वालिटी के बारे में, चैनल्स की गिनती के बारे में। बाकी जो जो कमियां हैं वो भी आपको मैंने बता दी है कि चैनल नंबरों में थोड़ी बहुत आपको कमी महसूस होगी, इनके चैनल नंबर जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बाकी पिक्चर क्वालिटी वाइज का हो या ऑडियो क्वालिटी वाइज का हो तो थोड़ा बहुत ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, आप इसको अपने लिए कंसीडर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वाकई में एयरटेल को लगवाने की सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एयरटेल को एक बेहतर डीटेच माना जा सकता है। इसमें आपको सभी मुख्य चैनल मिल जाएंगे, 500 प्लस जो चैनल्स हैं उसमें अवेलेबल है आपके लिए हर एक लैंग्वेज में। और हाई डेफिनेशन चैनल्स की बात करें तो वो भी आपको 80 प्लस यानी कि 80 से भी ज़्यादा हाई डेफिनेशन के चैनल आराम से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।